हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं एसटेट पीजीटी का एग्जाम हो चुका है और उसकी कंप्लीट आंसर की हम इस वीडियो में लेकर के आ गए हैं। सबसे पहले हम मैथ्स का पोर्शन देखते हैं। आप अपना स्कोर काउंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम मैथ्स का पोर्शन करते हैं। 61 क्वेश्चन जो है, दो नल ए और बी, इसका राइट आंसर आएगा ए 15 मिनट के बाद। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स सेकेंड बी, मतलब कि 1.5 ईयर। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा सेकेंड 54%। इसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका राइट आंसर आएगा नंबर 4, 33.1/3% लाभ होगा फ्रेंड्स। 65 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर आएगा 4, आर वाला। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स 66 का 3, 80,000। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा 3, 3600। सी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद 68 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा नंबर 68 नंबर का आएगा 1, उत्तर जो है उत्तर दिशा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 69 जो है, इसका आ जाएगा 15 LS, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स नंबर 2, STVSREYA। इसके बाद 71 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 71 का आ जाएगा 4, ससुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उत्तर पूर्व, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 73 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 140 वर्ष। 74 नंबर जो क्वेश्चन है, ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी से छोटा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, ई बी से बड़ा है। इसके बाद 75 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा जो है 20 टाइम्स, एक जो है वो 21 बार आता है, बाकी सभी लेटर जो है वो 20 टाइम्स आते हैं। इसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, जिसका राइट आंसर आ जाएगा 20:27। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78, इसका राइट आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 4, जिसके अंदर हर्ट, आर्ट, लेस और ईयर, ये चार वर्ड जो है मीनिंगफुल बन रहे हैं। 79 का जो आंसर है वो आ जाएगा फ्रेंड्स 1, 2 and 11/12। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा निम्न संख्या श्रेणी के अगले पद कौन से होंगे, तो इसका आ जाएगा 10 और 10, दोनों ही 10 10 इसके राइट आंसर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 81, तो 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश था फ्रेंड्स एडम लोच, सी ऑप्शन। इसके बाद है विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद है हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई, वो है 14वीं। उसके बाद है हरियाणा में बैगम समरू का महल कहाँ पर है, तो वो है गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, तो पी राघवेंद्र राव और विकास गुप्ता जो है वो वाइस चेयरमैन है। टिक्कर झील हरियाणा के पंचकुला में है। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष हैं फ्रेंड्स चंद्र त्रिखा। किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था, तो महेंद्रगढ़। और 89 का आंसर है कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है, तो 1.5 करोड़ जो है 1.5 करोड़। सुदर नदी जो कि घग्गर की सहायक है, इसका आंसर जो है साहिबी नदी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके मैथ्स रीजनिंग और हरियाणा जी के क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश और साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।